तो दोस्तों कल के दिन जो करण कुंद्रा को सुनाया गया है, जिस तरीके से बातें करी गई हैं और प्लस जिस तरीके से करण कुंद्रा को बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, आपको बताना चाहता हूं कि फाइनली करण कुंद्रा की तरफ से इस पर रिएक्शन आया है। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम सबको पता है कि कल के वीकेंड के बाद में सलमान खान साहब ने बहुत सी बातें बोली। अगर ऐसा ही हाल रहा आपका, आपके रिलेशनशिप का, तो सॉरी बॉस, ज्यादा से ज्यादा एक महीने तक टिक पाएगा, ठीक है, ये बात बोली। प्लस आप इतने ज्यादा पोजेस हैं, आप इतने ज्यादा इस तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं ये घुटन होगी और तेजस्वी इसके चक्कर में काम नहीं कर पाएगी। एंड तेजा, लेट मी टेल यू, ऐसा होने मत देना। शी इज अ प्योर सोल और आपकी बातें इसको इफेक्ट करती हैं। ये बातें, बहुत बहुत सारी बातें कल के दिन बोली गई। अब आप लोगों को बता दूं, उससे पहले परसों यानी कि सैटरडे को बोला गया था कि सलमान की करण कुंद्रा का रिलेशनशिप टॉक्सिक है। फाइनली करण कुंद्रा साहब के फैन क्लब ने इस पर कुछ बातें बोली हैं, जिस पर करण का रिएक्शन आया है। फैंस कहते हैं, ये टीम करण कुंद्रा ऑफिशियल है दोस्तों, और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इनके फॉलोवर्स हैं, और लिखा है, पब्लिक लव्स यू करण कुंद्रा, योर फैंस फ्रेंड्स फैमिली आर ऑल सुपर प्राउड ऑफ यू केके, द वे यू हैव लिव्ड दिस जर्नी विद ऑनेस्टी लॉयल्टी एंड इंटेलिजेंस इज एन इंस्पिरेशन, नेवर लेट एनीवन मेक यू थिंक एंड फील अदरवाइज, स्टॉप पोर्ट्रेइंग करण नेगेटिव। ये बात बोली है और एट द रेट कलर्स को किया है। अब इसी ट्वीट पर करण कुंद्रा के ऑफिशियल अकाउंट से दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के थैंक यू का इस तरीके से जो जेस्चर होता है वो सामने आया है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों हालांकि ये ऑफिशियल टीम की तरफ से हो सकता है या करण कुंद्रा जी का जो अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, बट वी ऑल नो दैट इट्स एन ऑफिशियल अकाउंट ऑफ करण कुंद्रा। करण कुंद्रा की बात करें दोस्तों, तो अब उनका गेम चेंज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ न सिर्फ उमर के लिए बल्कि तेजस्वी के लिए ऑल्सो। और ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो घर में और मास्टर प्लानिंग या करण नीति करते हुए देखे जा सकते हैं। आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।